और बच्चा लोग कैसे हो? आज चलते हैं कुछ नया सा करने। तो हाँ बच्चों, आज का जो ट्रिक है, आज का जो वीडियो है, आपके सभी घर के सारे मेंबर को काम आने वाला है। पता है वो क्या चीज है? वो है होममेड गुलाब से गुलाब जल बनाना। है ना बहुत बढ़िया सी बात। इस समय सर्दियों का सीजन है, बहुत सारे गुलाब के फूल मिलते हैं। अब गुलाब के फूल इसी सीजन में मिलते हैं तो हम गुलाब जल बनाएंगे घर में बड़ी आसानी से एक खास ट्रिक के साथ। और हाँ, सिर्फ गुलाब जल ही नहीं बनाऊंगी, कुछ और भी मैं करने वाली हूँ। तो प्लीज आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने करीब करीब 20-22 गुलाब के फूल ले लिए। इनको मैंने वॉश कर लिया था। अब गुलाब की पत्तियों को हमें अलग करना है, उनकी डंठल को हमें अलग करना है। तो यहाँ देखिए, हमें कोई भी पतीला लेना है। पतीला थोड़ा सा बड़ी साइज का ले लीजिए। इसमें मैंने सारे के सारे गुलाब की पत्तियों को डाल दिया है। अब इसके बीच में थोड़ी सी जगह करिए और यहाँ पर रख दीजिए कोई कटोरी। कटोरी घर में होती है। अब इस कटोरी के ऊपर कोई ऐसा डब्बा ढूंढिए घर में जो आ जाए पतीले के अंदर ही। तो ये देखिए, मेरे पास एक डब्बा सा है स्टील का, वो मैं यहाँ रख रही हूँ। अब इसका ढक्कन होना बहुत ज़रूरी है पतीले का। अगर ढक्कन आपको कांच का मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर मैं एक कढ़ाई का जो लिड होती है वो मैं यहाँ पर रख सकती हूँ। तो बस यही चीज़ें चाहिए मुझे। अब गैस पर हम रखते हैं इस पतीले को और इसमें डालेंगे एक जग भर के पानी फूलों के ऊपर। अब यहाँ देखिए, हमने इसकी जो लिड लगा ली है उल्टी करके, उससे क्या होगा अब मैं आपको बताती हूँ। पहले हम रखते हैं गैस की फुल फ्लेम। जैसे ये गर्म होना शुरू हो जाए तो इसकी फ्लेम कर देंगे मीडियम। और यहाँ पर ये जो छोटा सा होल है, यहाँ पर मैंने छोटा सा आटा, जो गूंदा हुआ आटा होता है, वो लगा दिया है, जिसकी वजह से इसे बिल्कुल भी एयर ना मिले। एयर नहीं मिलेगी तो जितना अच्छा वो बॉयल होगा पानी नीचे, और उसकी जो ड्रॉप्स हैं वो ऊपर कांच के ढक्कन से टकराएंगी और हमारे जो बाउल रखा है उसके अंदर गिरेंगी। अब बहुत अच्छा रिजल्ट मिले तो इसके लिए मैंने ऊपर से रख दिए कुछ आइस के टुकड़े, क्योंकि नीचे भाप बनेगी, ऊपर से उसे ठंडक मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बूंदें वो हमारे कटोरे के अंदर गिराएंगी। तो यही एक तरीका है इस रोज़ वाटर को बनाने का, बहुत ही बढ़िया है। अभी ये बना नहीं है, इसे कम से कम 25 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम, लो टू मीडियम फ्लेम कर देते हैं और ये धीरे धीरे से बनने दीजिए। बहुत ज़्यादा स्लो गैस नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं चाहिए। तो 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे देखते हैं। और पानी भी ऑलमोस्ट सूख गया है, तो अब जो इसमें काफ़ी सारी जो ड्रॉप्स गिर गिर के इस कटोरे में आई हैं वो ये देखिए, अमेजिंग सा ये रोज़ वाटर हमारा बन गया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है और बिल्कुल भी कोई इसके अंदर कोई कण नहीं है, सिर्फ ये रोज़ वाटर है। और गुलाब की खुशबू इतनी महक रही है, पूरे किचन में गुलाब की खुशबू आ रही है। अब एक चीज़ और बताती हूँ, ये रोज़ वाटर तो हम अलग करते हैं, इसे ठंडा करके हम रख देंगे। एक महीने तक आप बाहर जार में जो जार लेंगे वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसे आप रख सकते हैं। पर आप फ्रिज में कम से कम आप इसे 6 महीने यूज़ कर सकते हैं। आपको तो पता है रोज़ वाटर हमारी स्किन के यूज़ में, हमारी बहुत सारी यूज़ में, हमारी मिठाइयों में, बहुत सारी जगह हमें रोज़ वाटर यूज़ होता है। तो यही रोज़ वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, 6 महीने तक आप फ्रिज में रख सकते हैं। अब ये जो आसपास पतीले में ये जो गुलाब की पत्तियाँ हैं, इसे आप देखिए, बिल्कुल इनका कलर ही चला गया है। अब एक मैजिक देखिए, ये देखिए, ये सारी रोज़ पेटल्स को मैं एक कटोरी में डाल देती हूँ। अब इनमें कोई पानी नहीं है, आपको लग रहा है कि इन्हें हम फेंक देंगे, इसको फेंकिए नहीं। यहाँ पर आप चम्मच से इसे दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप जैसे जैसे दबाते जाएंगे, रेड कलर का एक बहुत ही बढ़िया गाढ़ा सा एक लिक्विड सा निकलेगा। ये देखिए कमाल, ये देखिए मैजिक, ये आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा।
आपको लगेगा रोज वाटर तो हमने बनाया, रोज वाटर तो हमारे काम का है, ये पेटल्स तो हमारे काम की नहीं है, लेकिन ये देखिए कितना गाढ़ा सा ये सिरप निकल रहा है। आप इसे बहुत यूज़ कर सकते हैं, आप अपने होठों पे लगाइए, अपने गालों पे लगाइए, अपने नेल्स में लगाइए, इतना बढ़िया इफ़ेक्ट आएगा, इतने पिंक पिंक लगेंगे, आप बहुत खुश हो जाएंगे। 3 से 4 दिन, 1 हफ्ता आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और आप इसे यूज़ कीजिए, आप इसका कमाल देखेंगे, आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने बना लिया है, आपने देखा बहुत ही आसानी से आपको रोज़ वाटर प्लस रोज़ सिरप, ये दोनों चीज़ें मैंने बनाई हैं नेचुरल कलर की, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही काम की हैं। तो इसे आप फ्रिज में रख कर इंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।